तो गाइस ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसका मेरा कोई प्लान नहीं था, लिटरली कोई प्लान नहीं था। मैंने नहीं सोचा था ये बनाना है, बस आया दिमाग के अंदर आइडिया, तो मैं बना रहा हूँ। मेरे को नहीं पता मैं क्यों बना रहा हूँ, बस बना रहा हूँ यार। इसमें आपको हंसी आएगी नहीं आएगी मेरे को नहीं पता यार, ये मैं अपने अंदर का जो दुख है वो बता रहा हूँ, लिटरली बस वही बता रहा हूँ उस वीडियो के अंदर। तो गाइस यार अभी आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले कुछ क्या, आप 10-15 दिन हो गया लॉकडाउन लग गया हमारे देश में, हर जगह लग गया, वर्ल्ड में लग गया कोरोना की वजह से। तो यार इस चीज़ की वजह से ना क्या हुआ कि सबको घर के अंदर बैठना पड़ा, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमें लगा, हम जो स्टूडेंट्स थे उन्हें लगा मज़ा आ गया, क्योंकि हमें ना स्कूल जाना पड़ा ना पढ़ाई बनी। हम इस सोच में थे कि हमें ना पढ़ना पड़ेगा ना स्कूल जाना पड़ेगा, मज़े हैं भाई घर के अंदर ही, हाँ हाँ मज़े करेंगे। पर यार स्कूल वालों को ना ये चीज़ बिल्कुल मंजूर नहीं थी, घंटा मंजूर नहीं थी उन्हें, उन्हें पढ़ाना है चाहे दुनिया खत्म हो जाए, इकोनॉमी हो जाए, कोरोना वायरस लग जाए, लोग मर रहे हो, पूरी दुनिया खत्म हो, स्कूल वालों को पढ़ाना है, उन्हें अपना कोर्स कंप्लीट कराना है, भले कुछ भी हो जाए, भले अभी अभी जैसे कि सारे लोग मर जाए, अभी पूरा कोरोना पूरा वर्ल्ड लेट डूबेगा, इनको कराना है खत्म। समझ लो कोरोना लग गया, हर बंदे को हो गया, स्कूल की टीचर को कोरोना हो गया, वो हॉस्पिटल के अंदर बैठी है, पर स्टिल वो कोर्स कंप्लीट कराएगी, उसे कराना है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या इजाद करा, इन्होंने लाया भाई जूम ऐप। अब ये ऐप ना यार टीचर्स के लिए भगवान है, और हमारे लिए यार ये कह सकते हैं रावण का रूप है, क्योंकि यार हम बच्चे जो सोच रहे थे कि घर में बैठेंगे मज़े करेंगे, क्या है घर में बैठेंगे मज़े करेंगे, एक ही चीज़ दो दो बार बोल रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ सच में इस वीडियो का कोई आईडिया नहीं था, मैं बैठा हूँ अपना ईयरफोन लगा दिए कान में, मैं बोले जा रहा हूँ जो मेरे मन में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा मेरे को क्या करना है इस वीडियो के अंदर, मैं बोल रहा हूँ आप देख लेना। इसके बैकग्राउंड में मैंने कोई गेम गूम लगा दिया होगा कैरीमिनाटी के अंदर, तो यार कुछ लोग कमेंट करेंगे कैरीमिनाटी कॉपी कर रहा है, तो मैं कैरीमिनाटी कॉपी कर रहा हूँ, मैं अमित भराना की कॉपी कर रहा हूँ, आशीष चिंचलानी की कॉपी कर रहा हूँ, बीबी के मैच कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सबकी कॉपी कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, खुद से मेरे अंदर दिमाग ही नहीं, आई हैव नो क्रिएटिव स्पेस, ठीक है। मैं बीबी के मैच कॉपी कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया चैन मिल गया, बस भाई अब आगे बात करते हैं वीडियो की। तो कूलर ने क्या वो ऐप, एक ऐप आ गया जूम करके, जिसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, ठीक है। तो यार हमारे लिए ये रावण है, क्योंकि यार हम सोच रहे थे मज़े करेंगे घर में, वेब सीरीज़ देखेंगे यार, सेक्रेट गेम्स के कुछ एपिसोड बाकी बढ़े थे वो देख लेंगे यार, मिर्ज़ापुर फिर से देख लेंगे यार, एक जो इंग्लिश देखते हैं वो इंग्लिश वाली देख लेंगे यार, ये जो आजकल के जो बच्चे मनी हैस देख के शो ऑफ कर रहे हैं यार, वो मनी हैस देख के यार इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ डाल लेंगे यार, मज़े कर रहे थे यार। कुछ लोगों को टाइम पास नहीं हो रहा था, उन्होंने इंस्टाग्राम के लिए अलग अलग चीज़ें बना ली, कुछ ने भाई अनटिल टुमारो वाला चैलेंज चला, फिर वो सारी वाला चैलेंज चला, अलग अलग चैलेंज चले यार, फिर कुछ जो लड़कियाँ होती हैं वो यार लूडो में क्या नाम है दूसरों को हरा के फिर उसका स्क्रीनशॉट डाल देती हैं अपने उसके ऊपर, और फिर अपने को मतलब बहुत बड़ा प्लेयर समझती है, और हम लड़के जो रोज़ 10-15 चिकन डिनर कर लेते हैं पबजी के अंदर, वो फिर भी कुछ नहीं डालते स्टोरी वगैरह में, क्योंकि हमारा अलग, हमारे अंदर अलग ठग लाइफ है, और लड़कियों का चलो छोड़ो उसकी बात नहीं, हम बात करेंगे भाई जूम क्लासेस की यार, जूम क्लास होगी और बहुत सारी अलग रहेगा, और मेरे स्कूल वालों ने चालू कर दिया एक्स्ट्रा मार्क्स भी, और एक्स्ट्रा मार्क्स के अंदर तुम्हारी अटेंडेंस ली जाएगी यार, सबसे गंदी बात है अटेंडेंस ली जाएगी भाई, जूम का क्या था भाई उठे ना उठे, यानी क्लास चला देंगे 8 बजे भाई, मैं उठता 1 बजे सारी क्लासें खत्म हो जाती है 1 बजे तक, तो अब मैं करूँ क्या भाई। अब यार ये जो सारा गुस्सा है ना मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ यार आप सबके साथ भी यही हो रहा होगा, और जिनके साथ नहीं हो रहा ना यार तुम भाई तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, तुम यार तुम भगवान के रूप हो यार, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है यार भाई, हमारे स्कूल वालों ने भी एक्स्ट्रा मार्क्स पे चालू कर दिया भाई, लिटरली इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को, गंदा वाला ना भाई मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा गुस्सा हो गया मैं, है ना। अरे यार ठीक है भाई कर लेंगे कोर्स खत्म, ठीक है भाई, दिन में 5-5 घंटे क्लासेस यार, लिटरली 5-5 घंटे भाई, 1 घंटे मैथ्स, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, मैं पीसीएम वाला स्टूडेंट तो मेरे लिए है, बाकी कुछ के लिए जो कॉमर्स वाले उनका अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज ये सब, पर ये सब ठीक है ये होती है, इंग्लिश की क्लास कौन लेता है भाई, अभी इंग्लिश मैंने स्कूल में जाके नहीं पढ़ी भाई, इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास होती है और उसकी भी अटेंडेंस लगती है भाई, मैम आती है बैठ के अटेंडेंस लेती है हमारी, अबे यार भाई थोड़ा तो वो कर लो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा तो यार प्लीज। तो यार इस वीडियो में और क्या बताऊँ यार, अभी बता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, अब जाना तो पड़ेगा भाई क्लास के अंदर, अटेंडेंस नहीं लगी मेरी 12th क्लास है यार, अभी 12th में अटेंडेंस कम पड़ गई, साले ने पेपर नहीं देने दी तो भाई मेरे लग जाएंगे ना। तो यार अब मैं दुआ करता हूँ आप सब अपने घर के अंदर ही होंगे और घर के अंदर ही रहो भाई यार, बाहर क्यों जाना है अबे। और हाँ भाई एक और बात यार, अभी हुआ वो 5 तारीख को मोदी जी ने करा भाई कि दिए जलाने हैं, लोगों ने बॉम्ब फोड़े, चलो ठीक है बॉम्ब अपने छत पे आके फोड़ लिए, मेरे लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चलो ठीक है बॉम्ब फोड़े तो कोई नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अब अगर आपको नहीं पसंद तो आपका अलग होगा भाई, हम सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू वो छोड़ो ठीक है। और भाई कुछ लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, घर के बाहर निकल रहे दिए लेके भाई रोडों पे जा रहे, रैलियां निकाल रहे, अबे भाई तेरे को समझ नहीं आती क्या छोटी सी बात, अबे मतलब तेरे के दिमाग में भाई है ही नहीं क्या कुछ भाई, दिमाग भगवान ने दिया कि दिया नहीं है, मतलब भाई कुछ भी, मतलब लिटरली भाई कुछ सेंस नहीं है, मतलब मोदी जी ने बोला भाई बालकनी में आओ लाइटें बंद करो दिया जलाओ, तुम बेटे की तुम बाहर निकल रहे हो, ओ भाई मतलब स्वैग लेवल अलग ही लेवल है तुम्हारा भाई, मैं क्या बताऊं, टॉपिक से भटक गए शायद, है ना।
टॉपिक था जूम क्लासेस। हाँ तो यार जूम क्लासेस के ऊपर क्या होता है यार, हम बच्चे जो होते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स यार जो दूसरे जो भी चीज़ें हैं यार उन सबको छोड़ते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जूम के, जो जूम पे जो लाइव क्लासेस होती है यार उसमें भाई यार देख, मैं तो उठता हूँ 1 बजे और वो सारी क्लासेस 12:30 बजे खत्म हो जाती है। वो 8 बजे चालू होगी, पहले 8 बजे से फिर 9 बजे तक, फिर 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ऐसे क्लासेस होती है भाई दिमाग खराब हो जाता है लिटरली। क्योंकि यार हमारा तो भाई टीचर्स को लगता है भाई हम बच्चों के पास नेट ही नेट है भाई, एक क्लास के अंदर ना आराम से 1 GB नेट, चलो 1 GB नहीं 500 GB नेट, 500 MB नेट चले जाता है। ठीक है, और पे मतलब टीचर्स को लगता है भाई हमारे पास नेट का वो पड़ा है भाई, और उनको लगता है हमारा नेट फुल स्पीड भाई, जियो हमारे से घर के साइड में टावर लगा के गया मोदी अंबानी, क्या बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा, मतलब ये वीडियो वैसे है ना बिल्कुल स्क्रिप्टेड, कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा, ये मोबाइल पड़ा है सामने, इसके सामने बोल रहा हूँ। ठीक है चलो टॉपिक पे आते हैं फिर से वीडियो पे। तो यार मतलब स्कूल वालों को लगता है भाई हमारे घर के साइड में टावर लगा रखा है भाई अंबानी ने, हमारा फुल स्पीड नेट पकड़ता है, वो भाई टीचर पढ़ाए जा रहे भाई स्क्रीन पर भाई, वो टीचर बोलता मैथ्स क्लास के बताता हूँ, टीचर ने लिखा ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो भी होता है वो है। ठीक है, उसने वो ब्रैकेट बनाया, वो ब्रैकेट सर ने बना दिया मेरे पास 6 मिनट बाद वो ब्रैकेट बन रहा है, आवाज चल रही है मेरी, आवाज सिंक टू सिंक है, मतलब आवाज सेम टाइम पे सुनाई दे रही है, वो वीडियो चल रहा है 6 मिनट बाद। मैं सोच रहा हूँ सर पढ़ा रहे भाई कुछ और चीज, वीडियो चल रही है कुछ और चीज, सर पढ़ा रहे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स और मेरा भी ब्रैकेट बन रहा है मैट्रिक्स का, जो पहला मैट्रिक्स दिखा था ना वो 5, 6, 10 फिर जो भी था उसके साइड में, वो मेरा ब्रैकेट बन रहा है, सर पढ़ा रहे कुछ भाई प्रॉपर्टीज, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, और मैं यार कंफ्यूजन में आ गया भाई। फिर मैं वापस वीडियो मैंने एंड करा, मैं वापस वीडियो के अंदर मैं देख रहा हूँ सर अलग ही लेवल पर पहुंच गए, सर कहीं और पढ़ा रहे मैं कहीं और पढ़ रहा हूँ। अरे भाई ओ भाई मारो यार, मतलब भाई वो क्लास में भाई वीडियो रह जाता है, पीछे ऑडियो चलती रहती है भाई, बच्चे घंटा समझ आएगी यार, स्कूल में टीचर सामने खड़े होकर पढ़ा रहे तब कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ वीडियो कॉल पर घंटा समझ आएगी, स्कूल वाले लेकिन ये बात नहीं समझ रहे, और स्कूल वालों की एक अलग ही हुआ है भाई, उन्हें पढ़ाना खुद से पढ़ाएंगे नहीं भाई। एक मैं बता रहा हूँ बेस्ट चीज़ जो है पढ़ने के लिए ना भाई, वो अनअकैडमी से पढ़ लो आप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं पीसीएम वाला लड़का हूँ, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, जो पीसीएम वाले उनके लिए, बाकी साइंस और बाकी जो कॉमर्स वाले और ये जो आर्ट्स वाले उनका मेरे को नहीं पता भाई, मैं उनका नहीं हूँ। तो मैं पीसीएम का हूँ, आपको पीसीएम को बताता हूँ, आपको पीसीएम पढ़नी है ना तो भाई फिजिक्स पढ़ लो आप फिजिक्स वाला से, ठीक है बेस्ट बनता है वो। और केमिस्ट्री पढ़नी है अनअकैडमी पर जाओ, और 12th क्लास या 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़नी है आप केमिस्ट्री वाले सर जो है अनअकैडमी में, नाम भूल गया मैं, पारस ठाकुर सर, हाँ उनसे पढ़ लो। और ठीक है, और जो तीसरा बंदा है, तीसरा बंदा मतलब अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो एक वीडियो है सीबीएसई क्लासेस या सीबीएसई वीडियोस, मेरे को नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा सबकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से देख लेना, उनसे पढ़ लो लिटरली वो आप भाई। मैं क्लास में ना पिछले एक हफ्ते से जो चीज़ समझ रहा हूँ उसने आधे घंटे में बंदे ने समझा दिया वो, ठीक है। और भाई वहाँ यार हमें सुबह 8-8 बजे उठ के भाई क्लासेस में बैठना पड़ता है, ठीक है वो अलग बात है, मैंने आज तक एक बार भी 8 बजे उठ के कोई क्लास अटेंड नहीं करी है। एक बार मैं केमिस्ट्री के क्लास में गया था, वहाँ मैंने बैकग्राउंड में गाना चला दिया गो कोरोना, तो सर ने मेरे को आउट कर दिया उधर से और मेरे को म्यूट भी कर दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। हम बच्चे यार हम नहीं पढ़ पा रहे यार लिटरली, इसमें दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। और यार इसमें भी लेकिन कुछ बच्चे जो एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं, जैसे अभी कुछ बच्चे जो बैक बेंचर्स होते थे, बैक बेंचर्स क्लास में मस्ती करते थे, पर हम वो वाली मस्ती नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई हमारे टीचर हमारा ऑडियो म्यूट कर देते हैं, पहले मैंने गाने चलाए तो अब सर ने ऑडियो म्यूट कर दिया, तो बच्चे अलग अलग प्रकार के नाम रख रहे हैं। अब मेरे क्लास में बच्चे अपना नाम रख देते भाई कोरोना वायरस मोदी जी, अलग अलग प्रकार के, और कुछ प्रकार के नाम मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे घर वाले वीडियो देखते, बाकी ठीक है। तो यार इतना ही बोलूंगा, 9 मिनट की वीडियो बन गई ओ बेटे की शिट। ठीक है गाइस यार अब चलते हैं फिर, यार गुस्सा था ये सारा जो मैं निकालना चाहता था यार, इसके पीछे मैं गेम प्ले लगा दूंगा, कुछ स्क्रीनशॉट जो भी लगा पाऊंगा लगा दूंगा यार। एक तो एडिटिंग करने में बहुत आलस आता है भाई, जब कोरोना ये मतलब जो लॉकडाउन लगा था मैं सोचा था भाई हर 2 या 3 दिन में वीडियो डाल ही देंगे, बट मैं तो पहले सोचा था 1 दिन में वीडियो डाल दूंगा, पर यार दिमाग खराब हो जाता है भाई, इतना आलस आता है ना यार। मतलब एक भाई मेरा दोस्त है, उसको रोज पबजी खेलनी है भाई, यार उसका नाम नहीं लूंगा वो ये मारेगा मेरे को वीडियो देखने के बाद, उसको भाई रोज पबजी खेलनी है साला, सुबह कितने में उठूंगा मैं, 1 या 2 बजे जितने बजे मैं उठता हूँ उसके बाद वो मेरे को पहले फोन करेगा, भाई क्या कर रहा है भाई, ऐसे बोलेगा और वनटाई क्या कर रहा है और भाई पबजी खेलते आ जा, ऐसे ऐसे भाई दिमाग खराब कर रहे हो, ठीक है भाई यार मारियो मत मेरे को, ठीक है वीडियो देखने के बाद। ठीक है तो यार अब मैं बता रहा हूँ कुछ कोई पहुंचा नहीं होगा इस जगह तक, मैं जानता हूँ किसी ने वीडियो देखी नहीं होगी, सबको बोरिंग लगी होगी, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ बेफालतू की है, ठीक है। तो ठीक है भाई अब जाओ यार घर पे रहना, और अब करनी पड़ेगी भाई पढ़ाई, अटेंडेंस लग रही है मेरी 12th सालों ने, अगर नहीं किया मैं मेरे को बोर्ड के पेपर नहीं देने फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा मार्क्स क्लासेस के अंदर यार, शिट यार क्यों जा रहा हूँ मैं, पढ़ लूँगा अकेडमी से, जाओ बाय, चलो यार बाय थैंक यू, लास्ट वाला बाय हाँ, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, मेरा यूजर नेम है तेरा भाई विशाल, चलो बाय। एक क्लास में गाना लगा रहा हूँ इस बंदे का, इस बंदे को जरूर सुनना, इसका नाम है 47, ठीक है चलो 47 का गाने नहीं लगा रहा मैं, तलांजुम का गाना लगा रहा हूँ, इसके गाने बहुत सुनता हूँ, इसका गाना सुन लेना, ठीक है बाय। Deal with all the shit I've been through. Give me some space, let a real rapper come through. Shout out to the fans jo hai saath pehle din se. Loyalty is everything, hum saal nahi ginte. Agar main na bacha to keh dena main lada tha. Na kehna bewafa, main wafa mein hi mara tha.
मैं जरा सा भी रह नहीं सकता ऑफ गार्ड. दिस इज कराची, यू नेवर नो व्हेन शिट पॉप्स. अगर मैं बचा तो मैं शायद जीता रहूंगा, अगर मैं ना बचा तो सदा जिंदा रहूंगा, अगर मैं ना बचा तो मैं